Hello, this is Ash. Today we will do the word problems of exercise 3.4 of class 10th. So we will start the word problem of exercise 3.4. Exercise 3.4. बहुत ही important question है second का सेकेंड पार्ट. क्वेश्चन इज 5 years अगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनी. 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनी. हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनी. तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रेजेंट एज एज्यूम कर लेंगे नूरी और सोनी की. तो देखें, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एक्स ईयर्स मैंने एज्यूम कर ली नूरी की एज. तो देन प्रेजेंट एज ऑफ सोनू ये बाई ईयर्स ले लिया. क्या ले लिया? बाई ईयर. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखें, कंडीशन दे रखी पहली कंडीशन फर्स्ट है. इन द कंडीशन 5 years अगो, 5 years अब 5 साल पहले एज ऑफ नूरी, नूरी की एज क्या रही होगी बेटा, नूरी की एज रही होगी जो भी प्रेजेंट एज है उससे 5 माइनस कर दो, एक्स माइनस 5 ईयर. एंड एज ऑफ सोनू, सोनू की भी 5 माइनस हुई रही होगी. तो कह रहा है यहाँ लिखा हुआ है नूरी वाज थ्राइस. नूरी क्या था? थ्राइस था. तो नूरी की एज सोनू की इक्वल रखने के लिए, चूंकि नूरी थ्राइस था तो सोनू में 3 से मल्टीप्लाई करा दो. तो हो गया एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 3 5 जा 15. तो आपकी जो इक्वेशन बन गई वो ये बन गई एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15, और ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा. तो ये आपका हो गया x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10. ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई. नाउ सेकंड कंडीशन इसमें देखिए, कंडीशन 2 यहाँ दे रखी है. क्या है वो देख लीजिए. 10 years लेटर 10 साल बाद, ये कंडीशन सेकंड आ गई. 10 years लेटर 10 साल बाद बेटा आप देख लीजिए, अभी जो भी आपकी एज है तो 10 साल बाद क्या होगा, 10 उसमें ऐड हो जाएगा. तो ये वही यहाँ होगा एज ऑफ नूरी. नूरी की एज कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 10. एज ऑफ सोनू, सोनू की एज कितनी हो जाएगी, वाई प्लस 10. जो यहाँ कह क्या रहा है, नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी ट्वाइस हो जाएगा किसका, सोनू का. तो देखिए एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू सोनू में 2 से मल्टीप्लाई करा दो तो इक्वल हो जाएंगे दोनों. एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू ब्रेकेट ऑफ करिए तो 2y प्लस 20. एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10. तो एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 10 आ गया. ये इक्वेशन 2 हो गई बेटा. अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. कैसे करेंगे वो आप देख लें. यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे. यहाँ देखिए एक्स का कोफिशिएंट 1 है, दूसरी इक्वेशन में भी एक्स का कोफिशिएंट 1 है. पहले इक्वेशन लिख लें एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, और ये है एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 10. तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है. तो क्या करो आप, सब्ट्रैक्ट कर लो. क्यों, दोनों सेम साइन के हैं. तो ये प्लस है माइनस हो जाएगी, माइनस है प्लस हो जाएगी, प्लस है तो माइनस हो जाएगी. प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गया. प्लस का 2y माइनस का 3y, तो माइनस का y और ये माइनस का 20 आ गया. माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, y इज इक्वल टू हो गया 20. अब ये y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी. तो लिखें पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2. पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग
वाई इज इक्वल टू कितना था 20। इन इक्वेशन टू तो ये आपका एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू 10, एक्स माइनस टू वाई कितना 20 इज इक्वल टू 10। तो एक्स माइनस 40, एक्स इज इक्वल टू 10 प्लस 40, एक्स इज इक्वल टू 50, एक्स इज इक्वल टू 50। तो इस तरीके से हमने देखा, हेंस प्रेजेंट एज ऑफ नूरी कितनी हो गई 50 इयर्स, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, क्योंकि सोनू की वाई एज्यूम की थी 20 इयर्स। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे और भी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और ये जो नोट्स है इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज 3.4 का ही सेकंड का थर्ड पार्ट, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 9। तो यहाँ डिजिट एज्यूम कर लीजिए पहले, तो लेट द डिजिट्स बी, लेट डिजिट्स बी एक्स एंड वाई। तो इनका सम क्या है, कंडीशन पहली दे रखी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख लीजिए। तो एक्स प्लस वाई 9 दे रखा है, पहली इक्वेशन मुझे मिल गई है ना। और टू डिजिट नंबर क्या होगा, टू डिजिट जो नंबर है वो आप बनाएंगे, क्या बनेगा 10x प्लस वाई। आप 10y प्लस एक्स भी कर सकते हो। तो यहाँ यूनिट प्लेस की डिजिट वाई ले ली और टेंथ प्लेस की डिजिट एक्स ले ली, क्लियर। तो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया कि यूनिट प्लेस डिजिट कौन सी है और टेंथ प्लेस डिजिट कौन सी है, आप चाहें तो मेंशन कर दें, ठीक है। तो नंबर क्या बन गया, 10x प्लस वाई। तो जो नंबर मैंने बनाया उसके अकॉर्डिंग यूनिट प्लेस पे वाई है एंड टेंथ प्लेस पर एक्स है। अब देखें दूसरी इक्वेशन मुझे कैसे मिलेगी, वो एक कंडीशन है, क्या है, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। नाउ तो जो नंबर है वो उसका 9 टाइम्स कर लीजिए, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। मतलब ट्वाइस किसका, जब डिजिट रिवर्स कर दोगे, 2y प्लस x, मतलब 21 का आप 12 कर दो, डिजिट रिवर्स कर दिए, मतलब 9 इस जो नंबर है उसका 9 टाइम्स किसके इक्वल है, 2 टाइम्स ऑफ द नंबर व्हेन रिवर्सिंग द डिजिट्स, ठीक है, तो उसके इक्वल है। तो अब ब्रेकेट ऑफ कर दीजिए, 90x हो जाएगा प्लस 9y हो जाएगा और ये 20y और प्लस ये 2x। तो एक्स इधर ले आइए, तो 90x माइनस 2x 88x हो जाएगा, और ये यहाँ 20y इधर माइनस हो जाएगा, तो -11y = 0। आप चाहें तो पूरी इक्वेशन को 11 से डिवाइड कर सकते हैं, तो लेकिन डिवाइड वाई 11, तो 8x माइनस y = 0, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब दोनों को सॉल्व कर लीजिए, तो ये x + y = 9 है और ये 8x - y = 0 है। तो देखिए वाई यहाँ प्लस का है, यहाँ वाई माइनस का है, तो आप ऐड कर लो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 9x = ये 9 हो जाएगा। तो x = आपका गया 9/9, 9 बन जा 9, एक्स आपका 1 आ गया, एक्स 1 आ गया, आप वाई निकाल लीजिए, तो देखो पुट x = 1 इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो 1 + y = 9, तो y क्या आ गया, y 8 आ गया, x ही आ गया, क्योंकि हमारा नंबर था 2 डिजिट वो देख लीजिए। तो हेंस 2 डिजिट नंबर इज, क्या लिखें, हेंस 2 डिजिट
नंबर इज इक्वल टू क्या था, 10x। तो देखो x क्या है, 1 प्लस y, y क्या है, 8। तो आपका आ गया 10 प्लस 8, 18 आपका नंबर आ गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस तरह से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे क्या है मुझे भी अच्छा लगेगा वीडियो बनाने के बनाने में, और आपको भी किसी भी टाइम वीडियो को देख सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं, नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।